सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। आप देख रहे हैं News 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह वाद मामले में जिला जज के न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील न होने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह वाद मामले में वादी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर इस मामले में स्पेशल कोर्ट बनाकर डे टू डे इस मामले की सुनवाई किए जाने और कमीशन भेजकर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी, लेकिन इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील न होने के कारण इस मामले में आज भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान की ओर से वकील मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि सुन्नी बोर्ड द्वारा नोटिस तामील न हो पाने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। वादी एवं वकील महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले को जानबूझकर लटकाना चाहते हैं, जिसके चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी। उनका कहना है इस मामले में अब 28 नवंबर को सुनवाई होगी। News 9 भारत के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ चल रहा है, और आज हमने एक एप्लीकेशन पहले लगाई थी, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, और हमारा ये कहना है कि सिविल कोर्ट में प्रॉपर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट को इस मामले को रेफ़र कर दिया जाए। और हमारा ये भी कहना है कि इस केस को अति संवेदनशील केस है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, और देश नहीं विदेशों के भी हिंदू इसकी ओर बड़ी तत्परता के साथ देख रहे हैं। तो हमारा ये विशेष रूप से कहना है कि इसके लिए अलग से एक कोर्ट गठित की जाए, क्योंकि अयोध्या के मामले में जैसे 70 साल तक इंतजार किया गया, अब इस स्थिति में इंतजार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस केस को प्राथमिकता के आधार पर इसका निस्तारण होना आवश्यक है। इसी को लेकर के माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने एप्लीकेशन दी गई थी, और उसमें यह भी निवेदन किया गया था या तो वो स्वयं सुन लें या किसी सक्षम कोर्ट को उसको भेज दें, और इसकी डे टू डे हियरिंग होनी आवश्यक है। लेकिन कई तारीखों से सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके हाजिर नहीं हो रहा है, उनके अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन बहाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य उनका यह है कि किसी तरह से इस केस को लटकाया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, ये उनकी टैक्टिस है, एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत ये सब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई किसी तरह की एविडेंसेज नहीं है, और एविडेंसेज नहीं है तो कोर्ट में क्या प्रोड्यूस करेंगे, लोअर कोर्ट में भी कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और इसलिए वो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे ही रहे। 7-11 की बात है, 7-11 एप्लीकेशन का कोई औचित्य नहीं बनता है, CPC का प्रोविजन है, CPC के प्रोविजन में सबसे पहले कोर्ट कमीशन जाता है, मौके की डायमेंशन होती है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह पक्ष जान करके, इसमें वो जानते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई किसी तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो लिंगर ऑन करने का एक बात प्रयास है, लेकिन न्यायालय के द्वारा सुना गया है, और रिवीजन में 28 तारीख लगाई है, और TA में भी माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा 28/11 तारीख निर्धारित की गई है। दोनों विषयों पर 28/11 को सुनवाई होगी। कितनी देर सुनवाई हुई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील नहीं हुए अभी तक, या किस कारण से नहीं आ रहा? लगभग 20 मिनट तक सुनवाई हुई आज डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ। सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजे गए हैं, और नोटिस मिलने के बावजूद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा है, कि वो चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा उनको नोटिस भेजा गया है, 5 तारीख को नोटिस भेजा गया है, और दोबारा उनको फिर नोटिस भेजेंगे, और 28 तारीख को माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इस मैटर को एक्सपार्टी कर दिया जाए, क्योंकि उनका इंतजार अब नहीं कर सकते। मथुरा के यहाँ आज एक ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई थी, और जैसा कि पिछले विगत माहों से देखा जा रहा है, माननीय न्यायालय द्वारा बार बार कहने के पश्चात अब जाकर कहीं वादी पक्ष ने इसमें पैरवी की है सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए। तो उन्होंने 5 नवंबर वो पैरवी की है, तो निश्चित ही आज 15-20 में छुट्टी पड़ी है, अभी वहाँ कोई तामील के ही नोटिस वापस नहीं आया है,
जिससे ज्ञात हो सके कि साहब उनके पास तामील हो गई है। तो हमारे द्वारा ये ध्यान आकर्षित किया गया और बाजी पक्षी जानबूझकर इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, बार बार टाल देते हैं, इससे ही वो लोअर कोर्ट में बार बार माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। और जब न्यायालय ने 25 जुलाई नियमित सुनवाई के लिए नियत कर दी तो फिर वो उसमें से टर्नअप नहीं हुए और उनके ऊपर 250 रुपये हरजाना भी हुआ था। तो बाजी पक्षी इस मुकदमे की सुनवाई को टालना चाहते हैं और लगातार एंड कैन प्रकरण कोई ना कोई तरीका लगाकर प्रार्थना देते रहते हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में बहुत ही नियमित रूप से मामलों की सुनवाई हो रही है, तत्परता से मामलों की सुनवाई हो रही है, लेकिन बादी पक्ष 711 CPC के तहत जो हमारा प्रार्थना पत्र है उस पर बहस करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने एक ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई। और घोर आश्चर्य की बात यह भी है कि अपनी प्रार्थना पत्र तो लगाया, अन्य जो मुकदमे चल रहे हैं उनका भी उन्होंने कह दिया, जबकि उनको उन मुकदमों को ट्रांसफ़र कराने का कोई अधिकार नहीं है, उसमें वो बादी भी नहीं है। तो ये बादी पक्ष का शुरू से ही मुकदमे में रहा है कि वो मुकदमों की सुनवाई से बचना चाहते हैं। तो अभी इसमें 28 नवंबर इसकी सुनवाई के लिए नियत कर दी गई है। महेंद्र प्रताप और राजेंद्र माहेश्वरी के द्वारा केशव देव महाराज के भक्त कहते हुए एक दावा दायर किया गया सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा न्यायालय में। उस मुकदमे को ट्रांसफर कराने के लिए महेंद्र प्रताप जो कि अपने को भक्त कहते हैं ठाकुर केशव जी महाराज का, उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र उनके मुकदमे के उनको मुकदमे को और इसके अलावा अन्य जो मुकदमे विचाराधीन हैं उन मुकदमों को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के दिया गया। और उसमें ये प्रार्थना की गई कि उनके केस को और बाकी जितने मुकदमे इस जनपद में विचाराधीन हैं जो केशव देव जी की ओर से दायर किए गए हैं उनको एक न्यायालय में विश्रांत स्थान की ट्रांसफर कर दिया जाए और माननीय हाईकोर्ट को एक लेटर लिखा जाए कि सारे मुकदमों की सुनवाई के लिए एक विशेष कोर्ट बनाई जाए। इस पर आज सुनवाई माननीय जिलाजज मथुरा की होनी थी क्योंकि इसमें सुनिश्चित बोर्ड पर पार्टी जो है उस पर अभी तामील नहीं हुई है, उस पर पैरवी का आदेश माननीय जिलाजज मथुरा ने किए थे और आवेदक द्वारा महेंद्र प्रताप जी द्वारा इसमें 5/11/2022 को पैरवी की रजिस्ट्री से की गई है, अतः ये अभी तामील के लिए वक्त नहीं है, इंतजारी के लिए कोर्ट लगाई है। अब इस प्रार्थना पत्र सुनवाई 28/11/2022 को होगी। हम इसमें दिनेश शर्मा की ओर से ये कह रहे हैं कि ये जो प्रार्थना पत्र गलत दिया गया है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप सारे मुकदमों को किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते। बादी के द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया था जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट सभी मुकदमों के संबंध में बनाई जावे। उस बाद में जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिनांक 28/11/2022 नियत कर दी गई है। आज सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई थी, यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड पर तामील न होने की वजह से न्यायालय के द्वारा जो पैरवी प्लेंटिफ ने की थी उस पैरवी के मुताबिक 28 तारीख नियत कर दी गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।